बोधगया में जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। दरअसल एनआईए की टीम ने बोधगया बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी उमर की निशानदेही पर जिंदा बम बरामद किया। ये बम एक बंद पड़े शौचालय में छुपा कर रखा गया था। ये बम आतंकियों ने साल 2017 में 19 जनवरी को ही प्लांट किया था। आतंकी उमर ने ही इस बम के बारे में बताया। इस बम को एसएसबी के बम निरोधक दस्ते ने फल्गु नदी के किनारे डिफ्यूज किया। गया के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि कब्रिस्तान के पास से एक पब्लिक टॉयलेट से बम बरामद किया गया है। की टीम आई है एक अभियुक्त को लेकर, जिसकी निशानदेही पे जो एक पुराना बम था उसी समय का जब घटना घटित हुई थी, वो एक बम बरामद हुआ है, जिसको डिफ्यूज करने का और उसकी क्या वो है उसका पता करने के लिए जो है पुलिस की टीम और जो BDDS के लोग हैं वो लोग हैं। अभी इतनी ही जानकारी है, बाकी जानकारी मिलेगी तो आप लोग साथ शेयर की जाएंगे। कहाँ पर से बरामद? ये जो है जो एक बाथरूम है, ओपन बाथरूम है पब्लिक के लिए, जो बोधगया में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बगल में बाउंड्री के बाहर एक बाथरूम है, उस बाथरूम के बाथरूम से बरामद हुआ। सर, जो आतंकी है उसके निशानदेही पर मिला है? हाँ, एक जो आतंकी है जिसको NIA ने अभी हाल ही में गिरफ्तार किया था, उसको रिमांड पे लेकर वो लोग आए, उसके कन्फेशन के आधार पर ये रिकवरी हुई। ये तो खुशकिस्मती रही कि जिंदा बम ब्लास्ट नहीं हुआ। वैसे NIA की टीम का काम काबिले तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।